क्लासेस फिरोजाबाद में हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हम इंपिरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला पे क्वेश्चन कर रहे थे। आज का नया क्वेश्चन है, आ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सी एच एंड ओ, एक कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगर उसके अंदर कार्बन इतने परसेंट है, हाइड्रोजन इतने परसेंट है, तो आपको उसका इंपिरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है और उसकी वेपर डेंसिटी 59 है। अब जब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहा है इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है और वो बोला इसके अंदर सी एच और ओ है, तो ओ का परसेंटेज तो दिया ही नहीं है, कैसे करें? तो आप कार्बन हाइड्रोजन के परसेंटेज को ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 में से घटा दो, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल आएगा, है ना। अब आपको इसका इंपिरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। वेपर डेंसिटी कितनी है? 59। प्यारे बच्चों याद रखना, वेपर डेंसिटी का डबल होता है मॉलिकुलर मास, तो मॉलिकुलर मास वेपर डेंसिटी का दोगुना होता है, तो अगर वेपर डेंसिटी 59 है तो मॉलिकुलर मास 59 × 2 यानी कि 118 ग्राम होगा। मॉलिकुलर मास वेपर डेंसिटी का दुगना होता है। और इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सी और एच के परसेंटेज को ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल आएगा। देखिए भाई अब कैसे अप्लाई करेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। नोट कर लिया है? अब देखो बेटा इसमें कार्बन का परसेंटेज 40.68, हाइड्रोजन का परसेंटेज 5.08, रिमेनिंग कौन है? ऑक्सीजन कितनी है मुझे नहीं मालूम, वेपर डेंसिटी 59। आपको इसका इंपिरिकल फॉर्मूला निकालना है और इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला भी निकालना है, एमएफ भी निकालना है, ये दो चीजें आपको निकालनी है इसमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, चेक करिए, ये हटा रहे हैं। चलो प्यारे बच्चों करना शुरू करो। पहले चलिए कार्बन 40.68, कार्बन 40.68, हाइड्रोजन 5.08, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए 5.08, 8 8 16 carry 1 7, ठीक हो गया। अब ये कितना रहा? 5 और ये 4 45.76। अब इसे 100 में से माइनस कर दो, 100 में से कितना माइनस करना है? 45.76, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, ठीक। फिर ये कितना रह गया आपका? 9 5 4, ठीक। फिर ये कितना रह गया? 5 54.24 आ गया। किसका परसेंटेज? ऑक्सीजन का। तो यहां पे नोट कर लो, ऑक्सीजन आ गया 54.24%। कैसे किया? सी और एच को ऐड करके 100 में से माइनस कर दिया तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकल आया। अरे हाँ या ना, ठीक है, ओके रहा। अब चलिए अब बनाइए, अब तो सिंपल काम हो गया। पहले एलिमेंट, फिर एलिमेंट के बाद क्या लिखते हैं उनकी परसेंटेज, फिर परसेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास, है ना, या पहले परसेंटेज के बाद आप लिख लो एटॉमिक मास, फिर कर लो परसेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास, और लास्ट होता है सिंपल रेशियो एस डॉट आर, ठीक। तो अब चलो एलिमेंट कौन हो गए? सी एच ओ, बोलो इसका परसेंटेज 40.68, ये लिखे हैं यहां से देख लो, हाइड्रोजन 5.08, और इसका बोलो कितना हो गया? इसका हो गया 54.24, इसका नंबर 12, इसका 1, इसका 16। अब करो 40.68 डिवाइड बाय 12, 5.08 डिवाइड बाय 1, अरे सही है भाई। अब अगला चलो, अगला कितना रहा? अगला रहा 54.24 डिवाइड बाय 16, ठीक। इसका करिए 3.3 के लगभग आंसर आ जाएगा,
ये 5.08 ही रहेगा, ये 3.3 आएगा, ये भी 3.33 आ जाएगा। सबसे छोटा आंसर कौन सा है ये, इससे सभी आंसर में डिवाइड करो तो 3.33 डिवाइड बाय 3.33 कितना आ गया 1, 5.08 डिवाइड बाय 3.33 ये आ गया 1.5, ऐसे चलो 3.33 डिवाइड बाय 3.33 कितना आ गया 1। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया इसका कार्बन 1, हाइड्रोजन 1.5, ऑक्सीजन 1, C1, H1.5, O1। लेकिन हम जानते हैं कोई भी फॉर्मूला फ्रैक्शनल नहीं होता है, तो दो से मल्टीप्लाई करने पर जिससे फ्रैक्शन हट जाए, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सही होकर हो गया C2H3O2। अब यहां से इसका मास निकाल लो, एम्पिरिकल फॉर्मूला का, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो गया दो कार्बन का 24 प्लस 3 प्लस यहां से कितना हो गया 32, ऐड कर लो ये, तो ये हो गया आपका 59। ठीक, ये हो गया 59, ये सारा कर लिया हमने, सामने सट गए, नोट कर लीजिए सारा। तो आपने देखा कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल चुका है, क्या निकल गया है एम्पिरिकल फॉर्मूला, आंसर C2H3O2, और आपने इसका क्या निकाल लिया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये आपका आ गया है 59। ठीक, ये चीजें आपकी और निकल आई है, कैलकुलेट कर ली है, अभी हटा रहे हैं सामने से, ये देखिए सारा क्लियर कर दिया, काम काम का जो डेटा निकला वो सारा ऊपर लिख चुके हैं। अब चलिए अब आपको क्या निकालना है, मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास क्या होता है, मैंने बोला था 2 × वेपर डेंसिटी, तो 2 × 59 डेट इज 118। अब आपको निकालना है मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका आया है C2H3O2, मॉलिकुलर मास आपका है 118, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आया है 59, इससे गया 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई करो C4H6O2, तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला हो गया C4H6O2। ठीक, तो ये हो गया इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H6O2, और ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला C2H3O2। आपको यही दोनों फॉर्मूले कैलकुलेट करने थे, सामने सट गया हूं, दोनों आंसर साफ नजर आ रहे होंगे, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला का आंसर है, ये मॉलिकुलर फॉर्मूला का है, दोनों साफ नजर आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल में आपने क्या सीखा कि अगर कार्बन हाइड्रोजन के परसेंटेज गिवन है, ऑक्सीजन का परसेंटेज मालूम ही नहीं है, तो कार्बन हाइड्रोजन को जोड़कर 100 में से घटाकर ऑक्सीजन का परसेंटेज निकलेगा। और एक बात और सीखी क्या, कि मॉलिकुलर मास वेपर डेंसिटी का डबल होता है, तो वेपर डेंसिटी में 2 का मल्टीप्लाई करके आप मॉलिकुलर मास को निकाल लेंगे। ठीक है, मुझे पूर्ण उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और आपको हर न्यूमेरिकल में जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो पूरे समझ में आ रहे हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।